ऐसी गेम्स जिसे लॉन्च करने के 4 दिन बाद ही कंपनी के दिवाले निकल गए, सारे गेम क्लिप्स एंड ट्रेलर डिलीट कर दी गई, इवन सीईओ ऑफ द कंपनी अंडरग्राउंड हो गया विदाउट एनी ट्रेस। एंड गाइस लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, रिलीज होने के पहले ये गेम वन ऑफ द टॉप विशलिस्ट गेम थी ऑन स्टीम। सो हेलो गाइस, मैं जैसर और आज बात करेंगे द डे बिफोर के ऊपर, जो गेम कम और स्कैम ज्यादा थी, एंड आईजीसी गेम अवार्ड से रिलेटेड कुछ अपडेट भी दूंगा। So this video is going to be so much important for developers and gamers, and let's start with the game backstory. But usse pehle IGC Game Awards Show 2023 ke upar kuch update dena chahunga. Dekho yaar, I know meri aukaat ke bahar hai ye award show, but still I'll do it with our small community. And bhai, bahut se small creators usme winner announce karenge and game of the year announce karenge ek bahut bade Indian upcoming game ke developer, which is a surprise for now. Well guys, agar kisi डेवलपर को उसे अपना गेम शोकेस करना है, देन इंस्टा पे मेरे को डीएम कर दो या डिस्कॉर्ड पे। देखो भाई, ये जो मैं करने वाला हूँ, हो सकता है बहुत लोग हंसे या बहुत बड़े बड़े डेवलपर सोचे ये तो छोटे मोटे चीजें हैं, यहाँ जाके उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, बट मैं उन सबको कहूंगा दिस अवार्ड शो इज जस्ट अ स्टार्ट, एंड जब अनाउंस करूंगा डेट उसके 2 से 3 दिन पहले पोस्ट कर दूंगा YT इंस्टा एंड डिस्कॉर्ड पे। तो जल्दी जल्दी सभी प्लेसेस पे ज्वाइन कर लो मेरे को, एंड फिलहाल हम लोग चलते हैं द डे बिफोर के बैक स्टोरी पे। इन जनवरी 2021 फैंटास्टिक स्टूडियो अनाउंस्ड अ गेम द डे बिफोर। कहा गया था कि ये ओपन वर्ल्ड मल्टीप्लेयर सर्वाइवल गेम होगी जो सेट होगी ह्यूज पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, जहां एक खतरनाक वायरस के कारण ऐसी कंडीशन हो गई है। नाउ भाई, ये ट्रेलर इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था फ्रॉम द विजुअल्स एंड गेम प्ले साइड कि लोगों के नजरों में ये गेम आ गई, एंड भाई ट्रेलर को देख के ये क्लियर हो गया था इट्स गोइंग टू बी लाइक लास्ट ऑफ अस एंड द डिविजन। अब भाई इन सब को देख के गेम लोगों को बहुत ज्यादा प्रोमिसिंग लगने लगी, एंड फिर फैंटास्टिक ने एक ट्रेलर ड्रॉप करी जिसमें उन्होंने रिलीज डेट दी June 21, 2022। अब दोस्तों, हर एक ट्रेलर के साथ गेम बहुत चीजें प्रोमिस करते गया, जैसे कि ऑफ रोडिंग, कार ड्राइविंग एंड ऐसे कई और एक्साइटिंग फीचर्स। नाउ गाइस, रिलीज डेट के 1 मंथ पहले उन्होंने गेम को डिले कर दिया एंड सेट इट टू रिलीज इन March 2023 बिकॉज अनरियल इंजन 5 पे उन्होंने गेम को शिफ्ट कर दिया। देखो गाइस, ऐसा दर्शाया गया कि गेम अब और भी फैंटास्टिक हो जाएगी UE5 के न्यू फीचर्स के साथ। देन दे ड्रॉप्ड रे ट्रेसिंग ट्रेलर इन January 2023 विद कोऑपरेटिंग विद एनवीडिया। अब भाई, जब एनवीडिया जुड़ गई इस गेम के साथ, गेमर को एश्योरेंस टाइप की चीज मिल गई कि गेम इज गोइंग टू बी गुड, एंड फिर से एक रिलीज डेट बताई गई November 10। अब भाई, कहीं ना कहीं इतने डीलर्स वगैरह के बाद लोगों की नजरों में नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बनने लगी गेम को लेके, लाइक अ स्कैम और समथिंग। बेसिकली गेम के रेपुटेशन को अफेक्ट किया इन डीलेज ने, बट स्टिल पीपल वर हाइप्ड अप फॉर दिस गेम, एंड दैट्स व्हाई ये गेम फर्स्ट पे था इन द टॉप विशलिस्ट ऑन स्टीम, एंड हिज क्रिएटर्स वर लाइक वी पुट हार्ट एंड सोल इन द गेम, एंड हमें वो रिजल्ट दिख रहा है ऑन टॉप विशलिस्ट पे। हेटर्स तो हेट करेंगे ही, बट गेम बहुत अच्छी होगी, ऐसा कहना था उनके डेवलपर्स का। नाउ भाई, फिर से डिले हो गई गेम एंड एक फाइनल ट्रेलर ड्रॉप हुई जिसमें गेम की रिलीज डेट बताई गई 7 दिसंबर। अब भाई देखो, ये ट्रेलर बहुत फिशी लग रहा था बिकॉज सो मेनी थिंग्स वर कॉपीड फ्रॉम द अदर गेम्स, बट स्टिल पीपल वर लाइक ओके, वी बिलीव ऑन द गेम। नाउ गाइस, रिलीज के 1 हफ्ते पहले उन्होंने गेम प्ले ट्रेलर डाला, एंड डैम द गेम वाज बैड। अगर शुद्ध हिंदी में कहूँ, देन गेम प्ले एक टट्टी से ज्यादा कुछ भी नहीं लग रहा था बिकॉज जो प्रोमिसेस किए गए थे वो उन्होंने बिल्कुल ही अपोजिट ही दिखाए, एंड देन डेवलपर्स डिसाइडेड टू नॉट फुल रिलीज द गेम, दे विल रिलीज इट एज अ अर्ली एक्सेस। भाइयों, ये बेसिकली एक शील्ड होती है फॉर पुअर गेम्स। नाउ बिफोर वी जंप इन द फॉल पार्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, देन बेशर्मा सब्सक्राइब क्यों नहीं किया अभी तक, जल्दी से करो। वेल गाइस, गेम लाइव हुई स्टीम पे, एंड जो शील्ड थी इनकी अर्ली एक्सेस के नाम से वो टूट गई जस्ट विद इन एन आवर, एंड लोग इतनी ज्यादा बावले हो गए गेम को लेकर कि रिफंड स्टार्ट हो गई। टोटल 20,000 प्लस रिव्यू आए गेम पे जिसमें 90% नेगेटिव ही थे, एंड आई गेस 10% वाले पेड रिव्यूज होंगे। तो गेम में ऐसा क्या था जो लोग इतने ज्यादा अग्रेसिव हो गए गेम के ऊपर? वेल देखो, गेम में कुछ था ही नहीं, द विजुअल्स, द सेटिंग जो प्रॉमिस किए गए थे वो नहीं थे, जो
जो फार्म प्लेसेस प्रॉमिस किए गए थे नहीं थे। कहा गया था कि इट्स गोइंग टू बी अ मैसिव मल्टीप्लेयर, बट लोग गेम के अंदर ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे थे। जिसने ज्वाइन किया वो एक्सपेक्ट किए थे कि इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ लास्ट ऑफ अस एंड द डिविजन, बट इट वॉज लास्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड माइनस ऑफ देयर गेम प्ले। हर एक चीज उन्होंने माइनस कर दी जो दिखाया था इन द ट्रेलर और क्लिप्स, एंड गेम में एसेट फ्लिपिंग बहुत देखने को मिल रही थी, विच मेक्स गेम इन्वायरमेंट लेस इंटरेस्टिंग। ये सब तो फिर भी विजुअल्स के ऊपर थे, गेम प्ले में तो कुछ था ही नहीं। इनमी एआई वाजंट इवन ब्रोकन बिकॉज इट वाज नेवर इवन मेड। कहीं कहीं से किसी के भी सर पॉप आउट हो रहे थे। गेम फील सो एम्प्टी। गेम इतनी ज्यादा बग्ड ब्रोकन थी कि एक प्लेयर स्पैन 30K से 700 पे आ गया। वेल टेक्निकली कहूं देन गेम वो थी ही नहीं। ऐसा मानो कुछ डेवलपर्स ने बस 4 से 5 एसेट डाल दिए प्री मेड फ्रॉम द स्टोर एंड किसी ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो के ट्यूटोरियल को देख के गेम के मैकेनिक्स बना दिए। अब भाई इन सब के बाद कंपनी को पता चल गया दे हैव फक्ड इट अप सो हार्ड, देयर्स नो गोइंग बैक। दे ट्राइड टू फिक्स दीज थिंग्स विद हॉट फिक्सेस, बट 2 हॉट फिक्सेस के बाद दे डिसाइडेड टू ड्रॉप ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड फैंटास्टिक स्टूडियो की एंड हो गई। एंड उन्होंने क्लियर बोल दिया जो पैसे उन्होंने कमाए हैं वो अपने इन्वेस्टर्स को देंगे। एंड भाई इन सब के बाद स्टीम एंड देयर पब्लिशर अपने पैसों से लोगों के गेम को रिफंड कर रहे हैं। एंड आज के टाइम कंपनी ने भी सभी गेम ट्रेलर क्लिप्स वगैरह डिलीट करके नेवर सी यू अगेन कह दिया है। सीईओ का पता नहीं। वेल लॉजिकली टेक्निकली ये एक स्कैम ही था जो फेक प्रॉमिसेस के बेसिस पे लोगों को बकलोल बना के गेम बाय कराए एंड देन वो पैसे लेके चले गए और फंस गई यहाँ उसके पब्लिशर्स एंड मार्केट प्लेस स्टोर। देखो गाइस, इसलिए ना गेम्स के ट्रेलर और क्लिप्स को फीडबैक देना बहुत जरूरी है। जब लास्ट गेम प्ले ट्रेलर आई थी इनकी, उसको बैकलैश मिला था, बट स्टिल लोगों ने बाय कर लिया क्योंकि देयर वर नॉट मेनी पीपल हु टोल्ड देम टू नॉट बाय दिस गेम बिकॉज ये गेम टट्टी है, इसे बाय नहीं करना था। सेकंड थिंग, फेक प्रॉमिसेस जो लोग करते हैं गेम में, चाहे वो साइबर पंक हो या द डे बिफोर, सब के सब एक स्कैमर हैं। बट वो बात अलग है, साइबर पंक अब जाके सही से अपनी गलतियां सुधार रही है। अगर देखना हो व्हाट हैपेंड विद साइबर पंक देन आई बटन पे क्लिक कर लो, वीडियो देख लो। एंड हाँ यार, वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो चाहो वो कमेंट कर सकते हो। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।